विच इज के रिटेलर हैजू अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस जो के एन्वायरमेंट के अंदर जो के कॉम्पटिशन के अंदर जो के स्टोर के अंदर किसी न किसी तरीके से हो रही हैं तो उसमें मार्कडाउन किया जाता है एडिशनल मार्कअप लगा दिया जाता है या इम्प्लॉय डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है मार्कडाउन के केसेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आ, आपके पास कोई सीजनैलिटी प्रोडक्ट है और अचानक वेदर के अंदर चेंज आ गया है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड तो क्विकली

इन स्टॉक्स के साथ आगे फॉरवर्ड चले फिर एडिशनल मार्कअप्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर देर आर आर इन द मार्केट और आप उसके ऊपर अभी तक यू आर मेंटेनिंग ओल्ड सो अगेन यू कैन इमीजिएटली डू वट यू कैन डू यू कैन मेक एडिशनल मार्कअप ऑन दीज प्राइसिस और अगेन जब आप ये करते हैं अल्टीमेटली यू कैन अर्न मोर मार्जन आउट ऑफ इट जिस तरीके से मार्कडाउन के अंदर यू आर लूजिंग मार्जिन इस केस के अंदर यू हैव रिएक्टेड टू अ सिचुएशन

यू नीड टू यूज द स्पेसिफिक फॉर्म टू एडजस्ट द प्राइस तो इम्प्लॉय डिस्काउंट इज बिन ऑल्सो कंसिडर्ड जो कि वन ऑफ द प्राइस एडजस्टमेंट्स हैं वो इम्प्लॉयी करता है अपनी मंथली ग्रॉसरी के लिए अपने लिए कुछ चीज़ बाय करने के लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ बाय करने के लिए अपने रिलेटिव के लिए कुछ बाय करने, करने के लिए तो हमारे पास एक इस तरह का प्राइस चेंज ऑथराइजेशन फॉर्म नॉर्मली हर रिटेलर का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेकिन उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो पार्ट्स हैं वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किए जाते हैं स्पेसिफाई होते हैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिफाइन होता है कि जो प्राइस चेंज आ रही है मार्कडाउन अगर करना है तो उसका क्या कोड होगा ताकि सिस्टम अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके अगर उस मार्कडाउन को आपने कैंसिल करना है तो क्या कोड होगा अगर आपने कोई मार्कअप लगाना है तो क्या कोड होगा अगर आपने उस मार्कअप को कैंसिल करना है तो क्या कोड होगा अगर आपने किसी एम्प्लॉई को डिस्काउंट देना है तो क्या होगा अगर जो चेंज आप करने जा रहे हैं वो परमानेंट है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे इस फॉर्म के ऊपर अगर वो चेंज टेम्प्रेरी है तो स्पेसिफाई करेंगे अगर टेम्प्ररी है तो किस डेट से किस डेट तक है अगर किसी कस्टमर के लिए है तो किस वक्त से किस वक्त के लिए है किस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए है वो तमाम बातें आर नॉर्मली मैंशनड ऑन दिस टाइप ऑफ प्राइस चेंज ऑथराइजेशन फॉर्म दिस प्राइस चेंज ऑथराइजेशन फॉर्म इज नॉर्मली साइन बाई प्राइस चेंज कंट्रोलर जो कि हर स्टोर के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड काउंटर साइन बाय द ड्यूटी मैनेजर और द फ्लोर मैनेजर और द डिविजन मैनेजर और द डिपार्टमेंट मैनेजर जो के फोर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंश्योर करता है कि यस दिस चेंज इज बिन स्पेसिफाइड नोटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एज पर द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट देन अगर हम बात करते हैं मार्कडाउंस के हवाले से सो देर आर सम मार्कडाउंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल अर्ली माकडाउंस पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल लेट मार्कडाउन पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल स्टेगर्ड मार्कडाउन पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक मार्कडाउन पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल स्टोर वाइड क्लियरेंस तो अगर सबसे पहले मैं क्विकली uh, एक शेयर करता हूँ रिगार्डिंग दी अर्ली मार्कडाउन पॉलिसी तो कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली सीजनेलिटी के हवाले uh, से दे टेक अर्ली रादर फॉर वेटिंग द सीजन्स टू एंड लेट्स टेक दिस अर्ली मार्कडाउन टू फिनिश द स्टॉक

या uh, कोई सप्लायर की तरफ से कुछ इंपैक्ट uh, आया होगा तो अल्टीमेटली लेक डाउन मार पॉलिसी के अंदर आप चेंजेस को करते हैं देन स्टैगर्ड uh, जो मार्कडाउन पॉलिसी है इसमें इट इज ऑलमोस्ट लाइक द ऑटोमेटिक मार्कडाउन पॉलिसी जिस तरह से नीचे अगला पॉइंट स्पेसिफाइड है इस तरह के केसेस के अंदर यू डिफाइन इंड द सिस्टम दैट आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड आफ्टर एट एक्स पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉक दिस मर्च डिस्काउंट विल बी एबेंटेड फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक को स्टोर में सिक्स मंथ से ज्यादा हो गए हैं तो अल्टीमेटली जैसे ही उसको सिक्स मंथ्स होंगे उस स्टॉक के ऊपर थर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स इट इज बिल्टिंग बिल्टेड इन टू द सिस्टम उसके लिए किसी का इमीजिएट अप्रूवल नहीं चाहिए अगर उससे ज़्यादा दिन होंगे तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टॉक को ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक क्वान्टिटी लिक्विडेट किया जा सके और देन uh, हमारे पास जो पॉइंट है वो है स्टोर वाइड क्लियरेंस का ये वो कॉन्सेप्ट है जब आप uh, पूरे स्टोर में क्लियरेंस लगा देते हैं इट इज़ नॉर्मली अ काइंड ऑफ गाला विच यू सेलिब्रेट इट इज़ अ काइंड ऑफ सम डे समच यू सेलिब्रेट और पूरे स्टोर के अंदर

ये वो मार्कडाउंस है जो कि वो किसी ना किसी तरीके से कर रहा होता है इसी तरीके से हमारे पास एक क्विक एग्जाम्पल है जो कि प्रोमोटिंग मार्कडाउन हवाले से है जो कि नॉर्मली विल ऑब्जर्व इन द रिटेल मिड समर सेल आ गई है फिफ्टी डॉलर प्लस के ऊपर है फ्री डिलीवरी भी है एंड सो एंड सो सो वो एवर इट इज यू हैव दार्कडाउंस एंड नाउ यू कैन प्रोमोट दीज मार्कडाउन टू योर कस्टमर्स तो लास्ट स्टेप ऑफ रिटेलर प्राइस स्ट्रेटेजी